मैं बोलूंगा सरदार पटेल, आप लोग बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मैं एक और नारा चाहूंगा जो इस धरती से हर पल इस देश में गूंजता रहे। मैं कहूंगा देश की एकता, आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की एकता, देश की एकता, देश की एकता, देश की एकता। मंच पर विराजमान गुजरात के गवर्नर श्री ओम प्रकाश कोहली जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, कर्नाटका के गवर्नर श्रीमान वजुभाई वाला, मध्य प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, संसद में मेरे साथी और राज्यसभा के सदस्य श्री अमित भाई शाह, गुजरात के उपमुख्यमंत्री श्री नितिन भाई, विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र जी, देश विदेश से यहां उपस्थित महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मां नर्मदा की ये पावन पवित्र धारा के किनारे पर सतपुड़ा और विंध्य के अंचल में इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी का, देशवासियों का, विश्व में फैले हुए हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान को प्रेम करने वाले हर किसी का अभिनंदन करता हूं। आज पूरा देश की रहा है। कोने कोने में भारत की एकता और अखंडता के लिए हमारे नौजवान दौड़ लगा रहे हैं, रन फॉर यूनिटी। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों का भी मैं अभिवादन करता हूं। आपकी भारत भक्ति ही और यही भारत भक्ति की यही भावना है जिसके बल पर हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सभ्यता फल रही है, फूल रही है। साथियों, किसी भी देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब वो पूर्णता का एहसास कराते हैं। आज ये वो पल होता है जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। आज का ये दिवस भी भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक महत्वपूर्ण पल है।
भारत की पहचान, भारत के सम्मान के लिए समर्पित एक विराट व्यक्तित्व का उचित स्थान देने का एक अधूरापन लेकर के आजादी के इतने वर्षों तक हम चल रहे थे। आज भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ को उजागर करने का काम किया है। आज जब धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरदार साहब की इस विशाल प्रतिमा को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी कल्पना की थी तो एहसास नहीं था कि एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे ही ये पुण्य काम करने का मौका मिलेगा। सरदार साहब के इस आशीर्वाद के लिए, देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद के लिए मैं खुद को धन्य मानता हूं। आज गुजरात के लोगों ने मुझे जो अभिनंदन पत्र दिया है, उसके लिए भी मैं गुजरात की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे लिए ये सम्मान पत्र या अभिनंदन पत्र नहीं है, लेकिन जिस मिट्टी में पला बढ़ा, जिनके बीच में संस्कार पाए, और जैसे मां अपने बेटे के पीठ पर हाथ रखती है तो बेटे की ताकत, उत्साह, ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाता है। आज आपके इस सम्मान पत्र में मैं वो आशीर्वाद की अनुभूति कर रहा हूं। मुझे लोहा अभियान के दौरान मिले लोहे का पहला टुकड़ा भी सौंपा गया है। जब अहमदाबाद में हमने अभियान शुरू किया था तो जिस गया था जिम में रख पाए ताकि देश को पता चले। मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं और आज जी भर करके बहुत कुछ कहने का मन भी करता है। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं
जब देश भर के गांवों से, किसानों से मिट्टी मांगी गई थी और खेती में काम किए गए पुराने औजार इकट्ठे करने का काम चल रहा था, जब देश भर के लाखों गांवों, करोड़ों किसान परिवारों ने खुद आगे बढ़कर इस प्रतिमा के निर्माण को एक जन आंदोलन बना दिया, जब उनके द्वारा दिए औजारों से सैकड़ों मैट्रिक टन लोहा निकला और इस प्रतिमा का ठोस आधार तैयार किया गया। साथियों, मुझे ये भी याद है कि जब ये विचार मैंने सामने रखा था तो शंकाओं आशंकाओं का भी एक वातावरण बना था, और मैं पहली बार एक बात आज प्रकट भी करना चाहता हूं। जब ये कल्पना मन में चल रही थी तब मैं यहां की पहाड़ों को खोज रहा था कि मुझे कोई ऐसी बड़ी चट्टान मिल जाए, उसी चट्टान को नक्शी कर करके उस पर से सरदार साहब की प्रतिमा निकालूं। हर प्रकार के जांच पड़ताल के बाद पाया कि इतनी बड़ी चट्टान भी संभव नहीं है और ये चट्टान भी उतनी मजबूत नहीं है, तो मुझे मेरा विचार बदलना पड़ा और आज जो रूप आप देख रहे हैं उस विचार ने उसमें से जन्म लिया। मैं लगातार सोचता रहता था, लोगों से विचार विमर्श करता था, सबके सुझाव लेता रहता था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि देश के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े जन जन ने देश के विश्वास को, सामर्थ्य को एक शिखर पर पहुंचा दिया। भाइयों और बहनों, दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी, जिसने मां भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया था, जिस महापुरुष ने उन सभी आशंकाओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जो उस समय की दुनिया भविष्य के भारत के प्रति जता रही थी। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं शत शत नमन करता हूं। साथियों, सरदार साहब का सामर्थ्य तब भारत के काम आया था जब मां भारती 550 से ज्यादा रियासतों में बटी पड़ी थी। दुनिया में भारत के भविष्य के प्रति घोर निराशा थी और निराशावादी उस जमाने में भी थे। निराशावादियों को लगता था कि भारत अपनी विविधताओं की वजह से ही बिखर जाएगा, हालांकि निराशा के उस दौर में भी सभी को उम्मीद की एक किरण दिखती थी और ये उम्मीद की किरण थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल में कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी महाराज के शौर्य का समावेश था।
उन्होंने 5 जुलाई 1947 को रियासतों को संबोधित करते हुए सरदार साहब ने कहा था, और मैं मानता हूं सरदार साहब के वो वाक्य आज भी उतने ही सार्थक है। सरदार साहब ने कहा था, विदेशी आक्रांताओं के सामने हमारे आपसी झगड़े, आपसी दुश्मनी, वैर का भाव हमारी हार की बड़ी वजह थी। अब हमें इस गलती को नहीं दोहराना है और नहीं दोबारा किसी का गुलाम होना है। सरदार साहब के इसी संवाद से एकीकरण की शक्ति को समझते हुए इन राजा रजवाड़ों ने अपने राज्यों का विलय कर दिया था। देखते ही देखते भारत एक हो गया। सरदार साहब के आह्वान पर देश के सैकड़ों राजे रजवाड़ों ने त्याग की मिसाल कायम की थी। हमें राजा रजवाड़ों के इस त्याग को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और मेरा एक सपना भी है कि इसी स्थान के साथ जोड़ करके ये 550 से अधिक जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने देश के एकीकरण के लिए जो कदम उठाए थे, उसका भी एक वर्चुअल म्यूजियम तैयार हो, ताकि आने वाली पीढ़ी को, वरना आज लोकतांत्रिक पद्धति से एक तहसील का अध्यक्ष चुना जाए और उसको कहा जाए अगर कि भाई एक साल पहले छोड़ दो तो बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। इन राजा महाराजाओं ने सदियों से अपने पूर्वजों की चीजें देश को दे दी थी, इसको हम कभी भूल नहीं सकते, उसको भी याद रखना होगा। साथियों, जिस कमजोरी पर दुनिया हमें उस समय ताने दे रही थी, उसी को ताकत बनाते हुए सरदार पटेल ने देश को रास्ता दिखाया। उसी रास्ते पर चलते हुए संशय में घिरा वो भारत आज दुनिया से अपनी शर्तों पर संवाद कर रहा है। दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति बनने की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। यह अगर संभव हो पाया है तो उसके पीछे साधारण किसान के घर में पैदा हुए उस असाधारण व्यक्तित्व का, सरदार साहब का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे जितना दबाव क्यों न हो, कितने ही मतभेद क्यों न हो, प्रशासन में गवर्नेंस को कैसे स्थापित किया जाता है, ये सरदार साहब ने करके दिखाया। कच्छ से लेकर के कोहिमा तक, करगिल से लेकर के कन्याकुमारी तक, आज अगर बेरोक टोक हम जा पा रहे हैं तो ये सरदार साहब की वजह से, उनके संकल्प से ही संभव हो पाया है। सरदार साहब ने
संकल्प न लिया होता। पल भर कल्पना कीजिए, मैं मेरे देशवासियों को झकझोरना चाहता हूं, पल भर कल्पना कीजिए कि अगर सरदार साहब ने काम न किया होता, ये संकल्प न लिया होता, तो आज गिर के लायन, गिर के शेर को देखने के लिए और शिव भक्तों के लिए सोमनाथ में पूजा करने के लिए और हैदराबाद के चार मीनार को देखने के लिए हम हिंदुस्तानियों को वीजा लेना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। अगर सरदार साहब का संकल्प न होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सीधी ट्रेन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगर सरदार साहब का संकल्प न होता तो सिविल सेवा जैसे प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। भाइयों और बहनों, 21 अप्रैल 1947 को ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, और बड़े शब्द महत्वपूर्ण है, आज भी जो आईएएस आईपीएस आईएफएस जो भी है, ये शब्द हर किसी को याद रखना चाहिए। तब सरदार साहब ने कहा था, अब तक जो आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस थी, उसमें न तो कुछ इंडियन था, न वो सिविल थी, और न ही उसमें सर्विस की कोई भावना थी। ये सरदार साहब के शब्द थे। उन्होंने युवाओं से स्थिति को बदलने का ऐलान किया। उन्होंने नौजवानों से कहा था कि उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा का गौरव बढ़ाना है, उसे भारत के नवनिर्माण के लिए स्थापित करना है। ये सरदार की ही प्रेरणा थी कि भारत की प्रशासनिक सेवा की तुलना स्टील फ्रेम से की गई। भाइयों और बहनों, सरदार पटेल को ऐसे समय में देश का गृह मंत्री बनाया गया था जो भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल क्षण था। उनके जिम्मे देश की व्यवस्थाओं को पुनर्निर्माण का जिम्मा था, तो साथ में अस्त व्यस्त कानून व्यवस्था को संभालने का भी दायित्व था। उन्होंने उन मुश्किल परिस्थितियों से देश को बाहर निकालते हुए हमारी आधुनिक पुलिस व्यवस्था के लिए ठोस आधार भी तैयार किया। साथियों, देश के लोकतंत्र से सामान्य जन को जोड़ने के लिए सरदार साहब प्रतिपल समर्पित रहे। महिलाओं को भारत की राजनीति में सक्रिय योगदान का अधिकार देने के पीछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब देश में माताएं बहनें पंचायतों और शहरों की संस्थाओं के चुनाव तक में हिस्सा नहीं ले सकती थी, तब सरदार साहब ने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनकी पहल पर ही आजादी के कई दशक पहले इस भेदभाव को दूर करने का रास्ता खोला गया था। वो सरदार साहब ही थे जिनके चलते आज मौलिक अधिकार
हमारे लोकतंत्र का प्रभावी हिस्सा है। साथियों, ये प्रतिमा सरदार पटेल के उसी प्राण, प्रतिभा, पुरुषार्थ और परमार्थ की भावना का ये जीता जागता प्रकटीकरण है। ये प्रतिमा उनके सामर्थ्य और समर्पण का सम्मान तो है ही, ये न्यू इंडिया, नए भारत के नए आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। ये प्रतिमा भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को ये याद दिलाने के लिए है, शाश्वत रहेगा। ये देश भर के उन किसानों के स्वाभिमान का प्रतीक है जिनकी खेत की मिट्टी से और खेत के साजो सामान का लोहा इसकी मजबूत नींव बनी और हर चुनौती से टकराकर अन्न पैदा करने की उनकी भावना इसकी आत्मा बनी है। ये उन आदिवासी भाई बहनों के योगदान का स्मारक है जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेकर देश की विकास यात्रा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। ये ऊंचाई, ये बुलंदी भारत के युवाओं को ये याद दिलाने के लिए है कि भविष्य का भारत आपकी आकांक्षाओं का है जो इतनी ही विराट है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य और मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य का भी प्रतीक है। बीते करीब 3.5 वर्षों में हर रोज औसतन 2500 कामगारों ने, शिल्पकारों ने मिशन मोड पर काम किया है। कुछ समय के बाद जिनका सम्मान होने वाला है, 90 की आयु को पार कर चुके हैं, ऐसे देश के गणमान्य शिल्पकार श्रीमान राम सुतार जी की अगुवाई में देश के अद्भुत शिल्पकारों की टीम ने कला के इस गौरवशाली स्मारक को पूरा किया है। मन में मिशन की भावना, राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण और भारत भक्ति का ही बल है जिसके कारण इतने कम समय में ये काम पूरा हो गया है। सरदार सरोवर डैम, उसका शिलान्यास कब हुआ और कितने दशकों के बाद उसका उद्घाटन हुआ, ये तो अपनी आंखों के सामने देखते देखते हो गया। इस महान कार्य से जुड़े हर कामगार, हर कारीगर, हर शिल्पकार, हर इंजीनियर, इसमें योगदान देने वाले हर किसी का मैं आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से
इसके साथ जुड़े आप सभी का नाम भी सरदार की इस प्रतिमा के साथ इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। साथियों, आज जो ये सफर एक पड़ाव तक पहुंचा है, उसकी यात्रा 8 वर्ष पहले आज के ही दिन शुरू हुई थी। 31 अक्टूबर 2010 को अहमदाबाद में मैंने इसका विचार सबसे पहले सबके सामने रखा था। करोड़ों भारतीयों की तरह तब मेरे मन में एक ही भावना थी कि जिस महापुरुष ने देश को एक करने के लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, उसको वो सम्मान अवश्य मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। मैं चाहता था कि सम्मान भी उन्हें उस किसान, उस कामगार के पसीने से मिले जिसके लिए सरदार पटेल ने जीवन भर संघर्ष किया था। साथियों, सरदार पटेल जी ने खेड़ा से बारडोली तक किसान के शोषण के विरुद्ध ना सिर्फ आवाज उठाई, सत्याग्रह किया, बल्कि उनका समाधान भी दिया। आज का सहकार आंदोलन जो देश के अनेक गांवों की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन चुका है, ये सरदार साहब की ही दीर्घदृष्टि का परिणाम है। साथियों, सरदार पटेल का ये स्मारक उनके प्रति करोड़ों भारतीयों के सम्मान और देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक तो है ही। यह देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार निर्माण का भी महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। इससे हजारों आदिवासी भाई बहनों को हर वर्ष सीधा रोजगार मिलने वाला है। सातपुड़ा और विंध्य के इस अंचल में बसे आप सभी जनों को प्रकृति ने जो कुछ भी सौंपा है, वो अब आधुनिक रूप में आपके काम आने वाला है। देश ने जिन जंगलों के बारे में कविताओं के जरिए पढ़ा, अब उन जंगलों, उन आदिवासी परंपराओं से पूरी दुनिया प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाली है। सरसार साहब के दर्शन करने आने वाले टूरिस्ट सरदार सरोवर डैम, सातपुड़ा और विंध्य के पर्वतों के दर्शन भी कर पाएंगे। मैं गुजरात सरकार की फिर से प्रशंसा करूंगा कि वो इस प्रतिमा के आसपास के तमाम इलाकों को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित कर रहे हैं। जो फूलों की घाटी बनी है, वैली ऑफ फ्लावर्स, वो इस स्मारक के आकर्षण को और बढ़ाने वाली है। और मैं तो चाहूंगा कि यहां एक ऐसी एकता नर्सरी बने कि यहां आने वाला हर टूरिस्ट एकता नर्सरी से एकता का पौधा अपने घर ले जाएं और एकता का वृक्ष बोएं और प्रतिपल देश की एकता का स्मरण करता रहे। साथ में टूरिज्म यहां के जन जन के जीवन को बदलने वाला है। साथियों, इस जिले और इस क्षेत्र का पारंपरिक ज्ञान बहुत समृद्ध रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण जब टूरिज्म का विकास होगा तो
इस ज्ञान का, परंपरागत ज्ञान का भी प्रसार होगा और इस क्षेत्र की एक नई पहचान बनेगी। मुझे विश्वास है, मैं इस इलाके से जुड़ा रहा हूं इसलिए मुझे काफी चीजें मालूम है। शायद यहां बैठे हुए कई लोगों को भी आज मन कर जाएगा मेरे कहने के बाद, यहां के चावल से बने ऊना मांडा, तहला मांडा, ठोकाला मांडा, ये ऐसे पकवान है वो यहां आने वाले पर्यटकों को खूब भाएंगे, खूब पसंद आएंगे। इसी तरह यहां बहुतायत में उगने वाले पौधे, आयुर्वेद से जुड़े लोग इसको भली भांति जानते हैं, खाटी भिंडी, ये चिकित्सा के लिए अनेक गुणों से भरा हुआ है और उसकी पहचान दूर दूर तक पहुंचने वाली है। और इसलिए मुझे भरोसा है कि स्मारक यहां पर कृषि को बेहतर बनाने, आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शोध का केंद्र भी बनेगा। साथियों, बीते चार वर्षों में देश के नायकों के योगदान को स्मरण करने का एक बहुत बड़ा अभियान सरकार ने शुरू किया है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी मेरा इन चीजों पर आग्रह था। यह हमारी पुरातन संस्कृति है, संस्कार है, जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह गगनचुंबी प्रतिमा हो, उनकी स्मृति में दिल्ली में आधुनिक म्यूजियम भी हमने बनाया है, गांधीनगर का महात्मा मंदिर और दांडी कुटीर हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ हो, हरियाणा में किसान नेता सर छोटू राम की हरियाणा की सबसे ऊंची प्रतिमा हो, कच्छ के मांडवी में आजादी के सशस्त्र क्रांति के पुरोधा गुजरात की धरती के संतान श्याम जी कृष्ण वर्मा का स्मारक हो, और हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के वीर नायक गोविंद गुरु का श्रद्धा स्थल हो, ऐसे अनेक महापुरुषों के स्मारक बीते वर्षों में हम तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली में संग्रहालय हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की मुंबई में भव्य प्रतिमा हो, या फिर हमारे आदिवासी नायक देश के आजादी के वीर उनकी स्मृति में संग्रहालय बनाने का काम हो, इन सभी विषयों पर हम इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं। बाबा साहब के योगदान को याद करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस व्यापक तौर पर मनाने का फैसला हो, या फिर नेताजी के नाम पर राष्ट्रीय सम्मान शुरू करने का ऐलान हो, ये हमारी ही सरकार ने इन सारी बातों की शुरुआत की है। लेकिन साथियों, कई बार तो मैं हैरान रह जाता हूं जब देश में ही कुछ लोग हमारी इस मुहिम को राजनीति के चश्मे से देखने का दुस्साहस करते हैं। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? साथियों, हमारी कोशिश है कि भारत के हर राज्य के नागरिक, हर नागरिक का पुरुषार्थ सरदार पटेल के विजन को आगे बढ़ाने में अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर सके।
भाई और बहनों, सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत में जिस तरह के गांव की कल्पना की थी और उसका जिक्र उन्होंने आजादी के 3-4 महीने पहले विट्ठल भाई पटेल कॉलेज की स्थापना के दौरान किया था। और सरदार साहब ने कहा था उस कॉलेज के निर्माण के समय कि हम अपने गांवों में बहुत ही बेतरतीब तरीके से घरों का निर्माण कर रहे हैं, सड़कें भी बिना किसी सोच के बनाई जा रही है और घरों के सामने गंदगी का अंबार रहता है। सरदार साहब ने तब गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, धुएं धूल और गंदगी से मुक्त करने का आह्वान किया था। मुझे खुशी है कि जो सपना सरदार साहब ने देखा था, देश आज उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जन भागीदारी की वजह से अब देश में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 95% तक पहुंच गया है। भाइयों और बहनों, सरदार पटेल चाहते थे कि भारत सशक्त, सुदृढ़, संवेदनशील, सतर्क और समावेशी बने। हमारे सारे प्रयास उनके इसी सपने को साकार करने की दिशा में हो रहे हैं। हम देश के हर बेघर को पक्का घर देने की भगीरथ योजना पर काम कर रहे हैं। हमने उन 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई है जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। हमारी सरकार सौभाग्य योजना के तहत देश के हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए दिन रात काम में जुटी हुई है। देश के हर गांव को सड़क से जोड़ना, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना, डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम आज तेज गति से किया जा रहा है। देश में आज हर घर में गैस का चूल्हा हो, गैस का कनेक्शन पहुंचे, इसके प्रयास के साथ ही देश के हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंचाने पर काम हो रहा है। सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी, जब मैं दुनिया के लोगों को बताता हूं उनको अचरज होता है, अमेरिका की जनसंख्या, मैक्सिको की जनसंख्या, कनाडा की जनसंख्या, इन सबको मिला ले और जितनी संख्या होती है उससे ज्यादा लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, लोग कभी कभी उसको मोदी केयर भी कहते हैं, ये स्वस्थ भारत के निर्माण करने में मदद करने वाली योजना है। वो भारत को आयुष्मान करने वाली योजना है। समावेशी और सशक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश का हमारा आधार, हमारा ध्येय मंत्र सबका साथ सबका विकास, यही हमारा ध्येय मंत्र है। भाइयों और बहनों, सरदार साहब ने रियासतों को जोड़कर देश का राजनीतिक एकीकरण किया। वहीं हमारी सरकार ने जीएसटी के माध्यम से देश का आर्थिक एकीकरण किया है। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार किया है। हम भारत जोड़ो के सरदार साहब के प्रण को निरंतर विस्तार दे रहे हैं। चाहे देश की बड़ी कृषि मंडियों को जोड़ने वाली ईनाम योजना हो, वन नेशन वन ग्रिड का काम हो, या फिर भारतमाला, सेतु भारतम, भारत नेट जैसे अनेक कार्यक्रम, हमारी सरकार देश को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार साहब के सपने को साकार करने में जुटी है। साथियों, आज देश के लिए
सोचने वाले युवाओं की शक्ति हमारे पास है। देश के विकास के लिए यही एक रास्ता है जिसको लेकर सभी देशवासियों ने आगे बढ़ना है। देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखना एक ऐसा दायित्व है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम हिंदुस्तानियों को सौंप करके गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को बांटने की हर तरह की कोशिश का पुरजोर जवाब दें और इसलिए हमें हर तरह से सतर्क रहना है, समाज के तौर पर एकजुट रहना है। हमें ये प्रण करना है कि हम अपने सरदार के संस्कारों को पूरी पवित्रता के साथ आने वाली पीढ़ियों में भी उतारने में कोई कमी नहीं रखेंगे। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे हर भारतीय को, और मैं सरदार साहब का वाक्य सुना रहा हूं आपको, सरदार साहब कहते थे हर भारतीय को ये भूलना होगा कि वो किस जाति या वर्ग से है। उसको सिर्फ एक बात याद रखनी होगी कि वो भारतीय है और जितना इस देश पर अधिकार है उतने ही कर्तव्य भी है। सरदार साहब की ये शाश्वत भावना इस बुलंद प्रतिमा की तरह हमेशा हमें प्रेरित करती रहे। इसी कामना के साथ एक बार फिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, जो सिर्फ भारतवासियों का ही घटना नहीं है, यहां पूरी दुनिया को इतना बड़ा स्टैच्यू दुनिया का ही अंदर अजीब बात है और इसलिए पूरे विश्व का ध्यान आज माता नर्मदा के तट ने आकर्षित किया है। इससे जुड़े हुए हर साथी को मैं बधाई देता हूं। इस सपने को साकार करने में लगे हुए हर किसी का अभिनंदन करता हूं। मां नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में बसे हर आदिवासी भाई बहन युवा साथी को भी बेहतर भविष्य की मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप पूरा देश आज इस अवसर से जुड़ा है, विश्व भर के लोग आज इस अवसर से जुड़े हैं और इतने बड़े उमंग और ऊर्जा के साथ एकता के मंत्र को लेकर के आगे ले जाने के लिए ये एकता का तीर्थ तैयार हुआ है। एकता की प्रेरणा बिंदु हमें यहां से प्राप्त हो रहा है। इसी भावना के साथ हम चलें, औरों को भी चलाएं, हम जुड़े और औरों को भी जोड़े और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना लेकर के चले। मेरे साथ बोले सरदार पटेल, सरदार पटेल देश की एकता, देश की एकता जिंदाबाद, देश की एकता, देश की एकता, देश की एकता, देश की एकता। बहुत बहुत धन्यवाद।